subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर, कोविड 19 ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया। वायरस से मजीद 33 अफराद जान बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2050 नए मरीज भी सामने आए। मुल्क में अब तक 50 लाख के करीब टेस्ट कर लिए गए। दफ्तर खारजा की इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमरीकी दबाव की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, वजीर आजम के वाजिया मौकफ के बाद बेबुनियाद कयास सराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान फलस्तीन के दो रियासती हल का हामी है। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। KCR की बहाली के लिए हंगामी इकदाम। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 11 बोगियां और 2 इंजन सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचा दिए गए। 19 नवंबर से औरंगी टाउन तक पिपरी स्टेशन तक सर्कुलर रेलवे चलाई जाएगी। साइबरीन हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। आइंदा दिनों में मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। रवा साल सर्दियां मामूल से तवील और दर्जे हरारत मामूल से कम रह सकता है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में मौसम सरमा फरवरी तक रहने का इम्कान है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 33 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 7,193 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,61,082 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,11,047, सिंध में 1,56,528, खैबर पख्तूनख्वा में 42,615, बलोचिस्तान में 16,449, गिलगित बल्तिस्तान में 4,461, इस्लामाबाद में 24,444, जबकि आज़ाद कश्मीर में 5,538 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 49,79,939 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,378 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,24,834 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,447 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 33 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,193 हो गई। पंजाब में 2,492, सिंध में 2,751, खैबर पख्तूनख्वा में 1,315, इस्लामाबाद में 260, बलोचिस्तान में 156, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आज़ाद कश्मीर में 126 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत देते हुए मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरकारी टीवी पर कौम से इजहार ख्याल करते हुए इंतखाबी इस्लाहात पर कौम को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा पूरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में PTI पर एतमाद करने के लिए आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि 2013 के इंतखाबात में सिर्फ हमने नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। हमने एक साल तक 4 हलके खोलने का मुतालबा किया और उसके बाद धरना दिया था। ये काम हमने 2018 इंतखाबात की शफाफियत के लिए किया था। हम मुल्क में बेहतरीन इंतखाबी इस्लाहात के ख्वाहां हैं और मैंने शफाफ इलेक्शन के लिए मुहिम चलाई थी। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐसा माहौल हो
कि जो हारे वो शिकस्त तस्लीम करे। इमरान खान ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान करते हुए कहा कि चाहता हूं कि अगला इलेक्शन बशमूल आज़ाद कश्मीर और सैनेट इलेक्शन ऐसा हो कि हारने वाला हार तस्लीम करे। इसके लिए इंतखाबी इस्लाहात की हैं। अब इलेक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस बारे में इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और ई वोटिंग के लिए नादरा से डेटा लेंगे। वजीर आजम ने दूसरी इस्तेहात पर रोशनी डालते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसके बाद वो इलेक्शन के अमल में भरपूर हिस्सा ले सकेंगे और वोट डाल सकेंगे। इमरान खान ने कहा कि तीसरी इस्तेहात के लिए आईनी तरमीम करनी होगी जिसके लिए दो तिहाई अक्सरियत चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें, क्योंकि तकरीबन 90 लाख हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इस मुल्क का बहुत बड़ा एहसास है। उनका ज़रूर उनको हमें शामिल करना चाहिए अपनी इलेक्टोरल प्रोसेस में, उनकी आवाज़ होनी चाहिए। तो एक दो तो ये रिफॉर्म्स हैं हमारी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि वो पूरी तरह इलेक्शन में शिरकत कर सकें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना था कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वजीर आजम पर अमरीकी दबाव की खबरें मनगढ़ंत हैं। वजीर आजम इमरान खान वाज तौर पर कह चुके हैं कि फलस्तीन के मसले के मुनसिफाना हल तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की पॉलिसी कायद आजम के विजन पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वजीर आजम के रिमार्क्स इस मौजू पर पाकिस्तान के मौकफ की गैर वाज़ तस्दीक हैं। इमरान खान के वाज़ मौकफ के बाद बेबुनियाद कयास आरायों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदों और दारुल हुकूमत अल कुद्स पर मुश्तमिल फलस्तीन का हामी है और 1967 से कबल की सरहदों और अल कुद्स अल शरीफ को दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम करता है। जाहिद हफीज चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अक्वामे मुतहदा OIC की करारदादों और बैन अल-अक्वामी कानून के मुताबिक मसला फलस्तीन के दो रियासती हल का हामी है। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर दो दहाइयों बाद कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर दो दहाइयों बाद कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर दिए गए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 11 बोगियां और 2 इंजन सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचा दिए गए। वॉशिंग ट्रैक पर ट्रेन की धुलाई और मेंटेनेंस का काम तेज़ी से जारी है। ट्रेन में LCD, चार्जिंग पोर्ट, कैंटीन, वॉशरूम और पंखों समेत दीगर सहूलियात भी रखी गई हैं। 19 नवंबर से औरंगी टाउन तक पपरी स्टेशन तक सर्कुलर रेलवे चलाई जाएगी। बरसों बाद KCR की बहाली से बेहतर सफरी सहूलत मैसर आने की तवक्कात पर शहरी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक मखसूस रूट पर आजमाइशी तौर पर ट्रेन चलाई जाएगी जिसके बाद ट्रेन की स्पीड और सफरी दौरानिए का हतमी तयन किया जाएगा। ये बहुत अच्छा करा है पाकिस्तान रेलवे ने चलाया है, आवाम के फ़ायदे की नहीं है। आवाम वैसे भी बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है बसें वैसी नहीं हैं, बसें ख़राब हो चुकी हैं। कराची के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बसें इतनी ख़त्म हो गई, अभी ये सर्कुलर रेलवे चलाइए, हो सकता है कि इसको चलने से आवाम को सहूलत हो और अच्छा क्या कहते हैं आना जाना अच्छा लगे, ताकि ट्रैफिक भी कम होगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में दर्ज हरारत में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाली हिस्से में मौसम सरमा अप्रैल तक रह सकता है और मुल्क के जनूबी हिस्से में मौसम सरमा फरवरी तक रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में दर्ज हरारत में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाली हिस्से में आने वाला मौसमी सिस्टम रुखसत हो गया है। अलबत्ता सिस्टम के असरात जनूबी हिस्से में सर्द हवाओं की सूरत में नज़र आ रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि चंद दिनों में दर्जा हरारत मजीद गिरने का इम्कान है और रवां साल सर्दियां मामूल से तवील और दर्जा हरारत मामूल से कम रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाली हिस्से में मौसम सरमा अप्रैल तक रह सकता है और मुल्क के जनूबी हिस्से में मौसम सरमा फरवरी तक रहने का इम्कान है।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।